मम्मी फैरी व्लॉग एंड कुकिंग में खुश आमदीद। लेन जी, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरह के काम को मैंने कहा जल्दी ख़त्म करते हैं, रमज़ान का महीना है और अफ्तारी का टाइम होता है, तो ये प्याज का हर बच्चे को काटना आता है। किस तरह काटते हैं, इस तरह पहले इसको बारी बारी काट के इसको एक चम्मच नमक का डाल के मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने रख छोड़ा था। और ये देखिए इसने प्याज ने कितना पानी छोड़ दिया, ठीक है, प्याज ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। और अब मैं इसको कर रही हूँ इसी पानी के अंदर ही मैंने करना जो कुछ करना है। तो ये मेरे अंडे भी मैंने बॉईल करके इनको मैंने एक एक अंडे के चार चार पीस कर लिए हैं। ये भी आप सबको बच्चों आता ही होगा कि कैसे अंडे बॉईल करने हैं और कैसे काटने हैं, ये सब आपको तरीका आता है। और एक पीस मैंने रख दिया है। और ये कुछ मसाले हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये एक चाय की चमची जो छोटी वाली होती है ना वो मैंने ली है आधी, ये ज़ीरा लिया है आधी चाय की चमची, ये एक चम्मच चाय का लिया है कुटा हुआ धनिया साबुत जिसे दाकड़सा कहते हैं वो होता है, ये सब्ज़ मिर्च बारीक छोटी वाली मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये लहसुन अदरक की चमची है चाय वाली एक चमची वो है, और ये भुना हुआ ज़ीरा, ये सारे ही मसाले जो है मैं इसमें, और ये है धनिया बारीक काटा हुआ और एक कप बेसन का, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अपनी मर्जी, लहसुन अदरक नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन ये कि जब टेस्ट अच्छा आएगा हटके आएगा, बास लोगों को नहीं पसंद है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे निकाल भी सकते हैं अपनी डिश। ये मैंने धनिया भी डाल दिया इस पर बारीक कटा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है ये एक बेसन एक कप जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर इसको करना है, ये देखिए इसी के अंदर इसको मैंने मिक्स कर लेना है। मिर्चें जो हैं वो बात है कि आप लोग अगर आपको ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप स्पाइसी कर सकते हैं, वो बात यह है कि हम लोग मिर्चें कम खाते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं तो वो तेज़ कर लें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें क्योंकि प्याजों ने पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ये उसी पानी में ये सारे ये देखें होता जा रहा है, ये बेसन उसी में घुल जाएगा। मैंने गूंद लिया है उसी पानी के अंदर जो प्याज का पानी था उसी में किया है, ये थोड़ा सा सख्त लगता है, नरम नहीं रखना। अब थोड़ा सा मैंने हाथ के ऊपर ऑयल लगा लिया, ये देखें ऐसे करके, अब ये मैंने लिया ऐसे, इसको हमने अब ऐसे करके ये चौड़ा सा बना लिया, ठीक है। ये देखिए ये बन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके अंदर ये इसको इसे कवर कर देना है, मुश्किल अगर आपको लगे तो आप इसके साथ वो कर सकती हैं कम भी कर, वो ऑयल लगा लें थोड़ा सा, ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह ऑयल लगाने से ये क्या हुआ है कि कितनी आसानी से ये आपके बन गए, ये देखिए शेप देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इसी तरह ये सारे हम बना के तो हम रख लेते हैं, ये देखिए फिर मैंने ऐसे लगाया ऑयल लगाया हाथ के ऊपर, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा ले लिया। इसी तरह मैं सारे ही बनाती हूँ तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब ऐसे आराम से मैंने पकड़ ली और ऑयल में उंडेलती जा रही, इसी तरह आराम आराम से आपने रखते जाना। ये देखें मैं इसकी साइडें रोटा रही हूँ, एक साइड से सेक लग गया दूसरी साइड से कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ताकि ये टूटे ना, घबराना नहीं है आपने। ये देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें एक साइड हो गया, अब दूसरी साइड, अब इसको हल्की आँच पर हमें पकने देना है माशाल्लाह। इसका कितना खूबसूरत आ रहा है, एक साइड से ये हो गए हैं और दूसरी साइड इनकी रह गई है, और मेरी कोशिश है कि आप दूसरी साइड से भी हो जाए, जैसे दूसरी साइड से होते हैं तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। कलर देखें माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन से, ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, ये देखें तो ये दूसरी साइड इसकी कच्ची है अभी जरा वो बोले तो फिर मैंने निकाली है वो बाकी के मैंने डाल दिए हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं जी। ये हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं, एग स्नैक्स प्याज वाले, ठीक है माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं,
उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी रेसिपी छोटी सी पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं काट के भी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, दोनों तरफ अंडा उसके लुक का, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें। रमज़ान में आप भी बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखा करें, दुआएँ दिया करें, रमज़ान है, कुरान पाक पढ़ा करें, दुरूशी पढ़ा करें, और मेरे लिए भी खसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बिस्तर की मोहताजी से बचाए, मुझे किसी का मोहताज ना करे, चलता फिरता रखे, और मैंने जिस मकसद के लिए ये काम शुरू किया है मुझे इस मकसद में कामयाब करे। और आपने लाजमी सब्सक्राइब करवाना है, ख़ुद भी करें, दूसरों से भी कराएँ और शेयर करें और बताएँ लोगों को कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़।